आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। 100 खबरों के बाद अब बड़ी खबर बाढ़ और बारिश से जुड़ी हुई, जहां अलग अलग तस्वीरें पूरे देश से सामने आ रही, तबाही की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, दिल दहल जाएगा आपका। भारी बारिश की वजह से नदी नाले सब कुछ उफान पर हैं। ये तस्वीर देखिए पिथौरागढ़ की है, जहां पर मुंशियारी रोड पर नाले पर तेज बहाव में एक कार फंस गई। नाले का बहाव इतना तेज है कि गाड़ी बीच नाले में ही फंस गई। नाला पार करना बेहद मुश्किल, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज है कि गाड़ी को भी बहा ले सकता है। इस बीच एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश के श्योपुर की, जहां पर दो बस्तियों में बाढ़ का पानी घुस आया। ये दोनों तस्वीरें देखिए, बाढ़ और बारिश की वजह से पहाड़ दरक रहे हैं, भूस्खलन की खबरें लगातार आ रही हैं। इसका असर सीधा मैदानी इलाकों में, वहां भी बारिश बहुत हो रही है, और इस बीच कई ऐसे इलाके जो पूरी तरह से जिनका संपर्क कट चुका है, कई ऐसे इलाके जो पानी में डूब चुके हैं। तो दो तस्वीरें देखिए, पिथौरागढ़ की तस्वीर और मध्य प्रदेश के श्योपुर की तस्वीर। दोनों ही जगहों पर हाल किस कदर बेहाल है, भारी बारिश, भूस्खलन, पानी की वजह से। देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार सवार लोगों की हालत इस वक्त क्या होगी। ऊपर से तेज बहाव, बहता हुआ पानी, गाड़ी बीच में ही फंस गई। जान बचाना बेहद मुश्किल, क्योंकि जरा सा अगर गाड़ी आगे जाती है तो खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ ऊपर से तेज धार में आता पानी। पिथौरागढ़ की यह तस्वीर, बाढ़, बारिश और तबाही। आलम ऐसा कि पहाड़ों पर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहीं पूरा का पूरा पहाड़ ही दरक जा रहा है, और मैदानी इलाकों की बात करें तो बाढ़ से कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हैं। दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, पिथौरागढ़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर का हाल भी कुछ वैसा ही है, जहां पर दो बस्तियां पूरी तरह से पानी में डूब गई, गाड़ी किस कदर बीच में फंसी हुई है। और ये श्योपुर की भी तस्वीर देखिए, जहां पर बाढ़ की वजह से हालात इतने खराब हो गए कि घरों तक में पानी घुस आया। लोगों ने ऊपरी मंजिल पर शरण ले रखी है, लेकिन बावजूद इसके देखिए कैसे पुल बनाकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, यानी पूरा इलाका एक तरीके से जलमग्न है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।